Good morning students, welcome to the new video. Today we are going to talk about the experiments based on the photosynthesis. Now we'll talk about the first experiment, that is to prove that sunlight is necessary for photosynthesis. इस experiment में हम ये करके देखेंगे कि photosynthesis process में sunlight की presence कितनी ज़रूरी है. कोई भी photosynthesis का experiment करने से पहले हम इस word को बहुत अच्छे से ध्यान से देख लें. Destarch the plant. हमने पहली line में लिखा destarch the plant. तो what do you mean by destarch? Destarch means to remove all the starch from the plant. Remove all the starch already present in the plant so that the new starch which is formed during the experiment can be checked easily. So, इसको करने के लिए हमें प्लांट को दो तीन दिन के लिए अंधेरे कमरे में रखना पड़ेगा जिससे कि उसके अंदर प्रेजेंट सारा स्टार्च कंज्यूम हो जाएगा और जब हम एक्सपेरिमेंट करेंगे प्लांट को नए सिरे से धूप में रखेंगे तो उसके अंदर फिर से स्टार्च जनरेशन शुरू हो जाएगी. तो फर्स्ट स्टेप इज टू डिस्चार्ज द प्लांट बाय कीपिंग इट इन द डार्क रूम. सेकेंड स्टेप में आप क्या करोगे, एक पार्ट ऑफ लीव, मेरे पास एक नॉर्मल लीव है. This is what we have is a normal leaf. इस normal leaf का आप color देखिए कैसा है. ये green color की leaf है, upper surface and this is a lower surface. And now I have taken it a plucked leaf. मैंने इसे तोड़ लिया है, लेकिन इस experiment के लिए हमें पौधे से पत्ते को तोड़ना नहीं है. I'm just showing it to show you the exactly the color of the leaf. ना हम कब एक पॉटेड प्लांट लेंगे उसकी एक लीव के किसी एक पोर्शन के ऊपर टेप लगा के उसे छोड़ देंगे. जब उसे आप टेप लगा के उसे कुछ दिन के लिए दो तीन दिन के लिए आप उसे धूप में छोड़ेंगे तो क्या होगा कि जो धूप की रेज हैं, जो सन रेज हैं, वो इस एरिया पे फॉल करेंगी और ये जो डार्क पोर्शन है इसके ऊपर सन रेज बिल्कुल नहीं आएंगी, जिसकी वजह से यहाँ पर कुछ रिएक्शंस डिफरेंट होंगे एज कम्पेयर टू दिस अनकवर्ड पोर्शन. अब वो क्या डिफरेंट होगा दैट वी सी. द सेकेंड थिंग वॉट वी हैव टू डू इज वी हैव टू प्लक दैट लीव दैट इज द नॉर्मल लीफ लाइक दिस और जिसके ऊपर हमने आधे पोर्शन के ऊपर समथिंग लाइक वी हैव कवर्ड इट विद ब्लैक टेप. हम इसको टेप से, फॉर एग्जाम्पल हमने इस तरह इसको टेप से कवर किया तो ये पोर्शन इसका हमने ब्लैक करके इसे तोड़ लिया. अब हम क्या करेंगे, इसको एक एल्कोहल में इसे बॉयल करेंगे, डबल बॉयलर में. नाउ वॉट इज दिस डबल बॉयलर, एल्कोहल को हम डायरेक्ट हीट कभी नहीं देते हैं तो हम क्या करेंगे, कंटेनर लेंगे उसके अंदर पानी भरेंगे और दूसरा कंटेनर उस बॉइलिंग वाटर पे रखेंगे जिसमें हम एल्कोहल भरेंगे और उसमें उस लीफ को बॉइल करेंगे. ऐसा करने पर लीफ में से सारा क्लोरोफिल रिमूव हो जाएगा. बॉइलिंग द लीफ इन द एल्कोहल टू रिमूव द क्लोरोफिल एंड व्हेन यू डू दिस देन द क्लोरोफिल इज रिमूव्ड देन द कलर ऑफ द लीफ विल बी चेंज. So the color of the leaf will, now you can see the color after I have done this. जब हम उसको boil करते हैं alcohol में तो leaf का color ऐसा हो जाएगा, जबकि पहले leaf का color कैसा था ये, और जो नया color है वो ये. You can see the difference between the two leaves, how the color changes after boiling it in the alcohol. So this is how you have to do it. Once this is the decolorized leaf, once you decolorize the leaf, then you wash this decolorized leaf in the water, normal water, and the last step that you have to do is put the iodine solution. This is a very important point in the experiment, that this solution is used to check the presence of starch. So when you use the iodine solution on this decolorized leaf, this decolorized leaf will having a starch in which portion, that portion will convert into a blue black. Like if we think that we have covered the portion of the leaf from this portion, from the center, then this two areas will be having exposed to sunlight, so they will be having starch. So yahan par agar iodine dalega to wo blue black color, dark color ho jayega, aur jis portion ko aapne cover kar rakha tha उस पोर्शन में कोई कलर चेंज नहीं आएगा. तो हमें पता लग जाएगा कि सनलाइट की प्रेजेंस में सनलाइट की प्रेजेंस में फोटोसिंथेसिस हुआ और उसके रिजल्ट से वहाँ पर स्टार्च फॉर्मेशन हुआ. सो दिस इज द एक्सपेरिमेंट दैट यू हैव टू नोट डाउन, दैट यू हैव टू लर्न प्रॉपरली स्टेप बाय स्टेप. द इम्पॉर्टेंट पॉइंट इन दिस एक्सपेरिमेंट इज हाउ टू डीस्टार्च एंड हाउ टू डीकलराइज द लीव. तो डीकलराइज करने का मेथड एक बार समझ लीजिए बिकॉज बाकी के एक्सपेरिमेंट्स में भी हमें ये देखने को मिलेगा. एक बार आप फिर से देख लीजिए, एक नॉर्मल कलर लीव का
और एक डीकलराइज लीफ में कैसा फर्क होता है जब उसका क्लोरोफिल निकल जाता है और उसके ऊपर हम बाकी एक्सपेरिमेंट फिर आयोडीन सॉल्यूशन डालकर करते हैं. द नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट नाउ वी आर गोइंग टू लर्न दैट इज रिगार्डिंग द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल. टू प्रूव दैट द क्लोरोफिल इज नेसेसरी फॉर द फोटोसिंथेसिस, हाउ वी आर गोइंग टू डू दिस विद द क्लोरोफिल. द नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट नेसेसरी फॉर द फोटोसिंथेसिस. नाउ आई एम गोइंग टू चेंज some of the portion of this experiment. Like in this case I am not going to take a potted plant, otherwise I am going to take in this variegated plant. What we have to use in this is variegated plant. Now what is this variegated plant? Variegated plant ka matlab kya hota hai? Aisa paudha jisme patte aadhe green color ke hote hain aur aadhe नॉन ग्रीन पार्ट होता है. तो वेरीगेटेड पत्ते इस तरह के पौधे में आपको देखने को मिलेंगे. इस पत्ते में देखो आपको आधा पत्ता कहीं कहीं से ग्रीन दिख रहा है और कहीं कहीं से ये पत्ते येलो कलर लिए हुए हैं. तो जिस पोर्शन में ग्रीन है तो वो पोर्शन इसमें फुल ऑफ क्लोरोफिल है और जिस पोर्शन में ग्रीन नहीं है उसमें ये नॉन ग्रीन में क्लोरोफिल का एब्सेंस है. तो हम क्या करेंगे, इस पोर्शन को हम ले लेंगे, इस तरह का पौधा आप लोगे, उस पौधे को अब हम इस पौधे को पॉटेड प्लांट हम लेंगे. मैंने इसमें यहाँ पे आपको एक लीफ और एक प्लांट का पोर्शन तोड़ के दिखाया है. हम पॉटेड प्लांट लेंगे एंड द सेम स्टेप इज वेरीगेटेड प्लांट में द सेम स्टेप इज रिपीटेड. फर्स्ट यू हैव टू डी स्टार्च द प्लांट. एज यू नो दैट आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू हाउ टू डी स्टार्च द प्लांट. तो प्लांट को धूप में रखने से उसको हम डी स्टार्च कर सकते हैं. और उसके बाद अब आप इस प्लांट को डिस्चार्ज करने के बाद इसे फिर कुछ दिन के लिए धूप में रखिए. कीप द प्लांट इन द सन, अगेन कीप द प्लांट इन द सन. अब प्लांट को सन में रखेंगे. द पोर्शन विच इज ग्रीन इन कलर, सो इन दिस द पोर्शन विच इज ग्रीन इन कलर, ऑब्वियसली इन दिस पोर्शन यू विल सी दिस पोर्शन विल डू द फोटोसिंथेसिस एंड द रेस्ट पोर्शन डोंट हैव क्लोरोफिल, सो मे बी दे विल नॉट डू द फोटोसिंथेसिस. लेट्स सी इन द एक्सपेरिमेंट. कीप द प्लांट इन द सन एंड देन द रिपीट द ऑल द सेम प्रोसेस, रिपीट द सेम स्टेप दैट वी डिड इट इन प्रीवियस एक्सपेरिमेंट. दैट इज प्रीवियस एक्सपेरिमेंट में दैट इज डी कलराइज द लीफ. द आपको सेम फॉलो करना है. आप उसको डबल बॉयलर एल्कोहल में बॉयल करोगे, फिर सिंपल वाटर से वॉश करोगे और जो पत्ती होगी वो पूरी की पूरी डीकलराइज हो जाएगी. और जब वो डीकलराइज हो जाएगी देन यू पुट द आयोडीन. नाउ द एक्सपेरिमेंट चेंजेस लाइक आयोडीन. व्हेन यू पुट द आयोडीन ऑन द वेरीगेटेड लीफ व्हाट यू सी द लीफ विच इज हैविंग अ पोर्शन ग्रीन पोर्शन will be turned blue black and the rest of the portion which is not having chlorophyll will not turn blue black because of the absence of starch formation. क्योंकि chlorophyll जहाँ जहाँ था वहाँ वहाँ पर starch बना होगा, तो वही वही color iodine solution की present drop गिराने से blue black color हुआ. बाकी portion में कोई भी color change नहीं आएगा. So this is explained in this why the chlorophyll is necessary for the photosynthesis. एक बार फिर से हम repeat कर लेते हैं. जब हम chlorophyll प्रेजेंस को चेक करने के लिए एक्सपेरिमेंट करेंगे तो उसमें हम वेरीगेटेड प्लांट को यूज करते हैं. वेरीगेटेड प्लांट वो होते हैं जिनमें आधा कलर येलो या कुछ और कलर होगा और आधा पोर्शन पत्ते में ग्रीन कलर होगा. उस तरह के पत्तों को लेकर जब हम पहले डिस्चार्ज करेंगे हम उनको ऑलरेडी प्रेजेंट स्टार्च को रिमूव कर देंगे. फिर हम उस प्लांट को कुछ दिन के लिए सन में रखेंगे. You can keep it for 2 to 3 days so that the photosynthesis reaction can occur and then repeat the same process of decolorizing the leaf. After decolorizing, last put iodine solution on the leaf. You will see the blue black color on the green portion and the rest portion will not show any change. So this is about the two experiment for or related to photosynthesis. So I am going to meet you in the next video with the third experiment. See you, prepare this and that's all for today. Thank you.